इतना दूर मुंबई से आप यूट्यूब पे देखा था, यूट्यूब पे आप वीडियो देखे थे उसके ऊपर आए हैं, उसके लेकर के आप आए हैं, आपका ही आया था सर। आप देख सकते हैं हमारे मिथिला में जो लकवा का गारंटी इलाज किया जाता है, यहाँ पे जो है मुंबई के मरीज आते हैं इलाज करवाने के लिए। आप सोच सकते हैं चाहे मुंबई हो, खगड़िया हो, यूपी हो, छपरा हो, सिवान हो, अन्य राज्य से जो यहाँ पे आते हैं इलाज कराने के लिए। आप देख सकते हैं कि चारों बगल आपको जंगल लगेगा देखने में, देखिए घुराइए वहाँ पे, देखिए ये जो है आपको बता दें पूरा देहात इलाका में ये हॉस्पिटल है। आप देख सकते हैं राममता डॉक्टर साहब का ये देहात इलाका में हॉस्पिटल है, फोकस कीजिए, देहात इलाका में है। और यहाँ जो है मुंबई से भी आए इलाज कराने के लिए, क्या उनको सुधार मिला है कि नहीं मिला है, चलिए मैं विशेष जानकारी प्राप्त करता हूँ। यहाँ पे कंपाउंडर साहब भी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आप अपना शुभ नाम बताएंगे? सुशील कुमार सिंह। आप पूरा परिचय दे दीजिए कहाँ से आए। पूरा सुशील कुमार सिंह, मुंबई कांदिवली। मुंबई से आप आए हैं इलाज कराने के लिए। आप जो यहाँ पे आए हैं लकवा का ऐसे प्लीज डॉक्टर के पास आए इलाज कराने, आप इससे पहले कहाँ कहाँ गए हैं? इससे पहले मैं गुजरात गया था। अच्छा, गुजरात भी आप गए? बैंगलोर गया था। बैंगलोर गए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा है। मैं यहाँ पे आया तो मुझे थोड़ा सा फर्क पड़ा है। अच्छा, फर्क पड़ा है यहाँ? हाँ, थोड़ा फर्क पड़ा है बात करने में। अच्छा, बाकी डॉक्टर साहब ने बोला था इलाज करोगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन 3-4 महीने में हो जाएगा सब बोले हैं। मैं अभी 15 दिन से यहाँ रुका हूँ, मैं एक हफ्ता हो गया मुझे यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले बहुत आप बोल नहीं पाते थे? इससे पहले बोलता था लेकिन और मेरा फंसता था पहले, आवाज पहले फंसता था। अब हो रहा है? अब आराम से हो रहा है। कैसे आप यहाँ पे आइए, जो यहाँ पे आप कैसे आ गए इतना दूर मुंबई से? आप यूट्यूब पे देखा था? यूट्यूब पे आप वीडियो देखे थे? उसके ऊपर आए हैं, उसके लेकर के आप आए हैं? आपका ही आया था शायद, उस पे देखा था। अच्छा, मेरा ही वीडियो आप देख करके यहाँ पे आए हैं। कैसा मतलब आपको क्या भरोसा है कि उम्मीद है आप ठीक हो जाइएगा? उम्मीद है यहाँ पे और सब आए उन लोग को देख के लगता है कि मैं भी ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे और भी आ रहा है, उम्मीद है कि आप ठीक हो जाइएगा? वो लोग आते हैं, रिव्यू देते हैं, हम लोग देखते हैं तो हम लोग को लगता है आस होती है हम लोग भी ठीक हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या अगर वो लकवा से जूझ रहे हैं कहीं दूर से है तो क्या उसको आना चाहिए यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। और पैसा के लेकर डॉक्टर साहब आपको कभी टॉर्चर किया कुछ बोले? कोई बात नहीं, पैसे का कुछ वो नहीं है। अच्छा, डॉक्टर साहब 3 दिन रखते हैं वैसे भी, उसके बाद ही पे करना पड़ता है ना। अच्छा, 3 दिन देखते हैं उसके बाद आपको लगता है तो पे करो। आप इससे पहले बैंगलोर भी इलाज करा चुके, गुजरात भी, तो मिनिमम खर्चा क्या हो गया होगा? गुजरात में तो पैकेज रहता ना उन लोग का, 2 महीना में एडमिट था। अच्छा, 80-90 हज़ार तक लगा था। अच्छा, 80-90 हज़ार गुजरात में आपको खत्म हो गया? बैंगलोर में था तो ये इसका क्या था सर, ये मतलब उसमें यह था कि उन लोग का एक बार हम लोग जाते थे इंजेक्शन देते थे, महीने में एक बार बुलाते थे, 25,000 लगता है एक बार। अच्छा, और 1.5 साल तक मैं गया था। 1.5 साल तक आप गुजरात से? हाँ, इलाज उनका इंजेक्शन लिया लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं आपको? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं, 1% भी नहीं हुआ। और लाखों रुपया आपका खत्म हो गया। फिर आप जो है मिथिलांचल में आए, मधुबनी जिला में, कहना चाहते हैं यहाँ के डामता डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा अगर आराम हो जाएगा मुझे तो। अच्छा, उससे बड़ा और क्या हो सकता है? जो जरूरत के लिए मैं आया, मेरी जरूरत पूरी हो रही है यहाँ पे, तो उसका धन्यवाद दे दूंगा मैं उनको, डॉक्टर साहब को। आप पैसे से क्या करते थे? मेरा इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग किया हूँ। आप इंजीनियरिंग किए? हाँ, लेकिन उसके बाद बैठा हूँ अभी घर पे 8 साल से। इलेक्ट्रीशियन से इंजीनियरिंग? इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियर है आप? हाँ। अच्छा, मैं ये अभी 8 साल से घर पे बैठा हूँ। 8 साल से आप घर पे बैठे? 8 साल से मैं पैरालिसिस है। पैरालिसिस में से जूझ रहे हैं? जहाँ पे मालूम पड़ा, जहाँ पे बोले वहाँ पे जाके दिखा गया रहा हूँ, लेकिन 1% भी किधर में सुधार नहीं आया। अच्छा, यही सब है, अब देख लो। मतलब बहुत जगह आप जाए, जहाँ भी लोग बोलते थे आप वहाँ जहाँ मालूम पड़ता वहाँ पे जाके पहुँच जाते थे ठीक होने के लिए। अच्छा, आपको बिहार में भी पता चला मिथिलांचल, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ गए? यहाँ पे आ गया, आपका ये वीडियो देखा मैं आ गया। अच्छा, कितने दिन आपको यहाँ तक रह चुके हैं? अभी मेरा 12 दिन हो गया। 12 दिन यहाँ पे हो गया, क्लियर हो जाएगा? डॉक्टर साहब अभी बोले हैं कि 3-4 महीने में आपको आराम हो जाएगा। अच्छा, और दवा खाते रहिए अब। यहाँ पे देखिए, और कंपाउंडर साहब है, और डॉक्टर साहब आज नहीं आए क्या? आए हुए हैं। आए कहीं काम से हैं? नहीं, काम कर तो रहे हैं। तो यहाँ पे मरीज दूर दूर से मरीज आते हैं, कहाँ कहाँ से अक्सर यहाँ पे मरीज आ जाते हैं? हाईस्ट मुंबई है, राजस्थान है, झारखंड है, जहाँ तक कि मुझे पता है कि झारखंड में ही बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना गया लकवा केयर का, समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी वहाँ रिकवरी नहीं हुआ, लेकिन उस पेशेंट को हमने रिकवरी किए हैं मात्र 72 घंटे के अंदर में। यहाँ दूर दूर से पेशेंट यहाँ ही पे क्यों आते हैं? यहाँ इस इलाका में बिहार में बहुत सारे जगह हॉस्पिटल है, यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल दरभंगा सब, लेकिन यहाँ पे क्यों आ जाते? जंगल में चारों बगल जंगल है, आप दिखा सकते हैं जंगल है, कैसे यहाँ पे आ जाते इतना दूर से? हमने यूट्यूब पे अपने वीडियो अपलोड किए हैं,
ताकि लोगों को सुविधा मिले कि कोई प्रॉब्लम है, कहीं जूझ रहे हैं, दूर से नहीं आ पा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से आ जाते हैं और अपने यहाँ हम अच्छे रिजल्ट भी देते हैं ना। 72 घंटे के लिए हम गारंटी लेते हैं कि जो लोगों को मान लीजिए लकवा है, दुनिया में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जो गारंटी लेता हो, हम लोग 72 घंटे के लिए गारंटी लेते हैं ताकि पेशेंट में सुधार हो। अगर ना सुधार हो तो हम लोग पैसा रिटर्न करने के काम करते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं मिला है जिसे पैसा रिटर्न किया जाए। 72 घंटे में उसको रिकवरी मिला ही मिला है और मिलेगा भी। मतलब जो लोग आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए, अगर उनके पास पैसा नहीं होता है तो क्या होता है? अगर पैसे नहीं है, उनको ज़्यादा परेशानी या प्रॉब्लम है ना, उनको फिर भी हम लोग रिकवरी करने की सोचते हैं। चलो भाई आ गए हैं तो इनको इलाज करना ही करना है, पैसा आज नहीं कल तो मिलेगा, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कम से कम मेरा पेशेंट वो ठीक हो जाना चाहिए। मान लीजिए दूर से कोई आया है और उसे ठीक नहीं हो पाया, काफ़ी पैसा खर्च हो गया, तो क्या पैसा रिटर्न होगा? हाँ, पैसा रिटर्न, जैसे कि 72 घंटे के अंदर में रिकवरी नहीं होता, अगर पेशेंट अपने मन से बोल देते हैं कि सर मुझे 72 घंटे के अंदर में कुछ भी फर्क नहीं लगा है, तो हम लोग पैसा वापसी कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। हाँ, रिटर्न कर देते हैं, 1 रुपया नहीं लेते हैं। और यहाँ रहने का फ्री है, रहने का यहाँ पे फ्री चार्ज है। हाँ, रहने का कोई भी चार्ज नहीं है, आप यहाँ पे रह सकते हैं, रहिए। अब 72 घंटे के अंदर में कैसे क्या है वो डॉक्टर साहब को बताइए कैसे क्या नहीं है, और आपको सुविधा नहीं लग रहा है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं।